रीवा रियासत के बारिश और पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने सतना जिले के मुकुंदपुर में बनी व्हाइट टाइगर सफारी की दुर्दशा की जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताई है। पत्रकार वार्ता के दौरान श्री सिंह ने कहा कि महाराजा मर्तन सिंह के नाम से संचालित व्हाइट टाइगर सफारी इन दिनों बदहाली से गुजर रही है। 10 माह से कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला, वहीं सभी निर्माण कार्य बंद पड़े हुए हैं। श्री सिंह ने उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ला और वन विभाग पर सौतेलेपन का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सफारी का लोकार्पण करने तत्कालीन केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आए थे। उस समय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं इन दिनों फंड के अभाव में सफारी बदहाली में चल रही है। पिछले वर्ष आई बाढ़ से कई दीवारें गिर चुकी हैं, जिनका निर्माण कार्य अभी तक नहीं करवाया गया। अगर इस वर्ष बाढ़ की स्थिति बनती है तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आपको बता दें कि विश्व का सफेद शेर की सौगात देने वाले रीवा रियासत के तत्कालीन महाराजा मर्तन सिंह थे, जिनके नाम से यह सफारी बनाई गई है। यहाँ तक कि दिल्ली से भी समिति जो आई है उसने भी अपनी रिपोर्टिंग दी है, उसने भी अपनी आपत्तियां दी हैं, उसने भी अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वन विभाग को और मंत्री जी को क्या मुश्किल जा रही है इस जू से और हमारे माननीय मंत्री जी से कि इस प्रकार का एक सौतेलापन वो अख्तियार कर रहे हैं। और न तो वहाँ से पैसा आ रहा है, न यहाँ काम हो रहा है, न ये पार्क आगे बढ़ रहा है, न इसकी पब्लिसिटी हो रही है, न तो मध्य प्रदेश टूरिज्म इसकी अच्छी खासी पब्लिसिटी कर पा रहा है। और जो सपने हमें दिखाए गए थे कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन होगा, राष्ट्रीय डेस्टिनेशन होगा, ये मोहल्ले का सफारी होकर सीमित हो गया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और इसी को लेते मैंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, जिसमें उनको निवेदन करा है कि ये सारी समस्याएं जो है एक इतने बड़े सपने को अगर चूर कर देगी तो मध्य प्रदेश में तो छोड़ दीजिए, हमारी हंसी पूरे भारत में और विश्व में उड़ेगी। क्योंकि कहीं भी हम लोग जाते हैं, बीच में हम बर्लिन गए थे मध्य प्रदेश टूरिज्म के माध्यम से, वहाँ लोगों को जानकारी तक नहीं है। केवल जो वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट लोग हैं वो एक्सपर्ट्स अभी इसको एक मजाक के तरीके से देख रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि अभी वो एक 200 करोड़ का खिलौना है। इसमें कोई बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा टूरिज्म का स्पॉट नहीं बन सकता है। जबकि सारी क्षमताओं को लेकर जो सफारी बनाया गया था उसकी अगर कल्पना ठीक से जो करी गई है उसको अगर मूल्य दे दें तो निश्चित रूप से उसके फायदे पूरे मध्य प्रदेश को मिल सकते हैं, हमारे क्षेत्र को मिल सकते हैं, बेरोजगार युवकों को मिल सकते हैं और टूरिज्म की इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत विकसित हो सकती है।